मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? आप जानते हो क्लास 9वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं लेसन नंबर 8वें के। कैसे सवाल? लेसन नंबर 8वें के हम सीख रहे हैं गणनात्मक सवाल। ठीक है, अभी इस लेसन के क्या आईएमपी है नेक्स्ट 5 मिनट में मैं वो भी आपको बता दूंगी। जितना भी मैं समझा रही हूँ समझो बच्चों, वो सब आईएमपी है। गणनात्मक सवाल जितने भी त्वरण के हैं, दूरी के हैं, विस्थापन के हैं, ये सारे सवाल आईएमपी हैं। और इसके अलावा किलोमीटर को मीटर में बदलो, मीटर को किलोमीटर में बदलो, ऐसे छोटे छोटे सवाल बहुत आईएमपी है। ठीक है, तो अभी का जो सवाल है, अब आपको यूनिट टेस्ट परसों है, 26 तारीख यूनिट टेस्ट है। ठीक है, आपका यूनिट टेस्ट का लेसन 2, 5, 8, 14 और लगभग 26, 9, 20 को कौन सी टेस्ट है? साइंस की। ठीक है, तो बच्चों परसों के लिए टेस्ट के लिए तैयार रहना। आपको 1 घंटा दिया जाता है, फिर आप अपने घर में करना पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में भेजा जाएगा। तो पीडीएफ में क्या होता है, गुजराती में भी होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो आप उसको अच्छी तरह से खोल के करना, फिर भी हम ऐसा होगा तो आपको स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे। चलो अभी का हमारा सवाल देखिए, जो त्वरण निकालो और दूरी निकालो। और आप जानते हो त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन, समय के अनुसार वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण कहते हैं। अब ये त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण का सूत्र है a = b - u/d और दूरी के दो सूत्र है 2as = b² - u² या तो फिर सूत्र है s = ut + 1/2 ad². ठीक है, चलो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है कोई एक का एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, मतलब चल रही है एक ही स्पीड में, एक चल रही है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी? तो पहले उसकी स्पीड थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उससे बढ़कर उसकी गति है, उसके वेग है, कितना होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। तो क्या निकालो? त्वरण निकालो बच्चों। क्या आएगा? त्वरण निकालो। तो हमें जानते हैं कि त्वरण निकालने के लिए हमको किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चाहिए, हमको उसको किस में निकालने का है? मीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हमें पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम सवाल की ओर देखें। और दूसरा क्या है? कितने ही समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी के दो सूत्र हैं। अगर त्वरण दिया है, ए दिया है, या यू दिया है, या वी दिया है, ऐसी स्थिति में दो तरह के सूत्र हैं, s = ut + 1/2 ad² या 2as = b² - u². तो मैं जो सूत्र का इस्तेमाल कर रही हूँ वो है s = ut + 1/2 ad², ये दूरी के लिए और त्वरण के लिए। चलिए आज ये त्वरण में जो प्रारंभिक, यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। यू का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रारंभिक वेग, यानी जब वो पहले चलने की जिस वेग से, वो है वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मुझे उसको किस में बदलना है? तो मुझे उसको बदलना है किस में? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 18 × 1000 / 3600। ठीक है, 0000 18 × 1000 = 2 × 2 = 10। तो कितना है? यू की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है यू की। क्यों मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया? मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे जो ए इसमें चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, चलिए अभी ठीक इसी तरह से बी का करते हैं। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मुझे किस में बदलना है? इसको मुझे बदलना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मैं
गुना 1000। बी का मतलब क्या होता है? अंतिम वेग। ठीक है, 36 × 1000 / 3600। अब देखो 1 0 1 0 36 36 10 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी हम फिर से त्वरण का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। a बराबर b माइनस u बटे b। अब वो अंतिम वेग कितना था? 10। प्रारंभिक वेग कितना था? 5। और देखो समय कितना दिया है? 5। ठीक है, तो ये 10 में से 5 गया, 5 5 बटे 5 बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a की कीमत कितनी आई? a की कीमत आई 1। a की कीमत आई a, p की कीमत है 5 और u की कीमत भी कितनी है हमारे पास? 5। अब चलो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है दूरी। पर बच्चों आपको इसके पीछे क्या लगाना है? यूनिट। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ठीक है, पीछे मात्रक लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमारे सवाल पे हमें क्या निकालनी है? दूरी। क्या निकालनी है बच्चों? दूरी बराबर ut + 1/2 at² चलिए यू की कीमत है 5 × 5 टी की कीमत 5 है प्लस हाफ, ए की कीमत 1 है और इधर भी 25 हुआ। ठीक है, अब आपको अगर ये वाला सवाल देखने का है तो आपका इधर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कितना आया बच्चों? 25 प्लस ये 25 का देखो 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 5 12.5। अब देखो इसको जोड़ना आपको आना चाहिए, बच्चे ये जोड़ने में परेशानी करते हैं। तो एस का मतलब होता है दूरी। अब देखो क्या करना, 25.00 और उसमें क्या रखना है 0.50 जोड़ 0 5 7। एक्चुअली कितना रखा गया मैंने बाहर लिखना है, मैंने 0 लिख दिया है। तो क्या है 37.0 एस की कीमत कितनी है? 6 मीटर 37.50 मीटर। ठीक है, तो ये इतनी दूरी तय की। मैंने हर एक सवाल किताब का ले लिया है, हर सवाल किताब का लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ और आपको मैं समझाती हूँ कि इस लेसन में क्या क्या IMP दिया हुआ है। ठीक है, आपको हर बार पता होना चाहिए, हर चीज़ का निशान का पता होना चाहिए। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है त्वरण और एस का मतलब क्या होता है? दूरी। तो ये छोटी छोटी बातों का यदि तुमको मतलब पता होगा, उसके पीछे कौन सा मात्रक होता है, वो सब चीज़ें बच्चों आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यदि पता नहीं होगी तो कुछ नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए, दूरी निकालो, औसत चाल निकालो। तो अभी मैं क्या करूँगी, अगले वाले में सबके सूत्र फाइनली सबके सूत्र लिख दूँगी, उसकी यूनिट लिख दूँगी, त्वरण का सूत्र मात्रक ये थोड़ी देर के बाद वाले मैं आपको बता दूँगी ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना। और हाँ, यूनिट 26 तारीख को है, इसका ध्यान रखना, परसों एग्ज़ाम है, पढ़ाई करते रहो। तब तक बाय बाय, टेक केयर।